शाम की मध्यम रोशनी अनिका के सामने तूतली हो रहा था। उसे बस एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई दे रही थी, मम्मी मम्मी उठो मम्मी। देखते देखते आज 6 साल बीत चुके थे, लेकिन 6 साल के बाद भी अनिका का कानों पे वही आवाज आज भी आ रही थी, मम्मी मम्मी उठो मम्मी, फ्लाइट लैंड होने वाला है। फ्लाइट के बिजनेस क्लास आरामदायक सीट पे अनिका की आंखें झटके से खुली और सामने थी उसकी 6 साल का बेटी रिया। रिया की मासूम चेहरे और इसका खूबसूरत कत्थे आंखें देखकर अनिका का जान में जान आई। उसका गुजरा हुआ कल एक बुरी सपने से कम नहीं था। आज अनिका उसका बेटी रिया के साथ 6 साल के बाद बेंगलुरु से मनाली लौट रही थी। रिया ने अपनी गेमिंग टेबलेट माँ की पर्स में रखते हुए बड़ा प्यार से अनिका को पूछा, मॉम क्या हम डैड को ढूंढने के लिए मनाली जा रहा है? अनिका ने बहुत सरल तरीका से उसे समझाया कि तुम्हारी कोई डैड नहीं है। मैं तुम्हें कितने बार कहा है तुम्हारी कोई डैड नहीं है? उस पर रिया जवाब देते हुए कहते, ओ कम ऑन मॉम, स्कूल में हमारी टीचर कहते हर एक बच्चों की माँ बाप होते हैं, और मेरे मोबाइल गेम्स कैरेक्टर की तरफ तो दूसरा दुनिया से आया नहीं हूँ ना मॉम, तो ऑब्वियसली मेरे पापा भी तो होंगे ना मॉम, या किसी जादूगर ने मुझे अपने हाथ से बाहर निकाला है। अब्रा कडाब्रा रिया बाहर आ जाओ। ये बात सुनते ही माँ बेटी दोनों ही हंस पड़े। अपना हंसी काबू पाते ही रिया ने दूसरा सवाल पूछा, तो फिर क्या यहाँ मेरे भाई को ढूंढने आया है? रिया के ये सवाल सुनते ही अनिका गहरी सोच में डूब गई। उसे याद आ गया था कि 6 साल पहले कैसे वो अस्पताल में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, और उसके पापा का कद का टीका करने में दोनों बच्चों को छीनने में कोशिश किया था। कमजोर अनिका ने कोशिश करके बड़ी हिम्मत से रिया को तो बचा लिया था, मगर अफसोस वो अपना बेटे को तो नहीं बचा पाया था, और वो आदमी अनिका के बेटे को लेके भाग गया था। इस हाथापाई में अनिका को चोट भी लगी थी। चोट इतना गहरी थी कि उसका बचना ही लगभग नामुमकिन था, और उसी वजह अनिका के मौसी अनिका को बेंगलुरु लेकर आ गई थी जहां अनिका का इलाज हुआ था। हालांकि अनिका इन 6 सालों में पूरी तरह से बदल चुकी थी। हार्मोनल इनबैलेंस के कारण उसका बड़ा हुआ शरीर अब एकदम ही नॉर्मल हो चुका था। घने लंबे कमर तक के उसके बाल, काली नखीली उसकी आंखें, गोरी गोरी गाल विद द परफेक्ट आईलाइनर, गुलाब की पंखरी जैसे उसके नरम होठ, लाल रेशम साड़ी में अनिका ऐसे लग रही थी मानो नदिया एक दूसरे से मिलने के लिए करवट ले रही थी। फ्लाइट अटेंडेंट हो या फ्लाइट का अन्य यात्री, आते जाते हर एक इंसान अनिका के ऊपर एक नज़र डालते ही है। मासूमियत सवाल करने वाली प्यारी नन्हे रिया को ये नहीं पता था कि उसके मम्मा मनाली आने का खास मकसद ये था कि कुणाल और अनिका की शादी का 6 साल होने के बावजूद कुणाल के दादाजी शादी का तोड़ने के लिए परमिशन नहीं दे रहा था, और आप कुणाल के जिद के सामने उसका दादाजी को झुकना पड़ा। कुणाल और अनिका का शादी तोड़ने के लिए मंजूरी देना ही पड़ा। अनिका मनाली जाकर डिवोर्स पेपर में साइन करने का साथ साथ अपना खोए हुए बेटे को ढूंढने का कोशिश करना चाहती थी। थोड़ी देर में फ्लाइट ने लैंड किया। मनाली का जमीन पे अनिका का पैर रखते हुए उसकी बाई आके फड़फड़ाने लगा, और उसे ऐसे लगने लगा कि उसके साथ जैसे कुछ बुरा होने वाला है, और वो ये सोचकर लगेज काउंटर की तरफ बढ़ते हुए उसकी नज़र पीछे की तरफ पड़ी। या फ्लाइट के सभी यात्रियों उसकी तरफ देख के मुस्कुराते हुए जा रहा था, मानो उसका खूबसूरत में गुम हुए उसका पीछे पीछे आने लगा है। अनिका थोड़ा कॉन्शियस होकर और रिया को संभालते हुए आगे चलने लगी। अनिका जैसे लगेज काउंटर में पहुंचा, वैसे ही 3 लोग आकर अनिका का लगेज उठाकर उसका हाथ में देने लगा,
कोई उससे हेलो कह रहा है, कोई उससे ब्यूटीफुल कह रहा है, कोई उससे फ्रेंडशिप करने के बात कर रहा है। अनिका चुपचाप उस कला की जुटा कंट्रोली में डालकर बाहर की तरफ चलने लगा। वैसे अनिका का फोन में उसके पापा गौतम का फोन आने लगा। जैसे अनिका ने फोन उठाया, गौतम ने बिना कोई खैर खर पूछे अनिका से कहा, कुणाल एयरपोर्ट तुम्हें लेने आ रहे हैं, सीधे उसके साथ घर आ जाना और तुम्हें दो पेपर्स में साइन करना है, एक होगा तुम्हारा डिवोर्स पेपर और दूसरा होगा तुम्हारा। इतना कहकर गौतम रुक गया और कुछ सोचकर अनिका को कहा, खैर तुम घर आओ, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। अनिका कुछ ना बोली, फोन काट दिया और कुणाल एयरपोर्ट के बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहा था अनिका का। 6 साल में काफ़ी कुछ बदल गया था कुणाल में। अब वो एक स्टूडेंट नहीं रहा, वो एक बिजनेसमैन हो चुका था। व्हाइट शर्ट, पर्पल टाई, ब्लू कलर कोट, पॉकेट में पेन, स्मार्ट हेयर कट, दिखने में किसी फिल्म का हीरो से कम नहीं लग रहा था कुणाल। लेकिन उसका तेवर वही थे, रूड और एरोगन से भरपूर। और वो अनिका का इंतज़ार सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा था कि उसे अनिका से जल्द मुक्ति चाहिए थी। कुणाल ने एक पैर जमीन पर और दूसरे पैर रेलिंग पर टिका हुआ था, जिसे वो कॉन्स्टेंटली हिला रहा था। एग्जिट डोर की तरफ देखते हुए बड़े ही बेसब्री से कुणाल ने अपने ड्राइवर से कहा, आज तक इस दुनिया में किसी आदमी को डिवोर्स मिलते हुए इतना खुशी नहीं होगी जितना मुझे हो रहा है। किसी भी कीमत पर आज उस मोटी से मैं डिवोर्स पेपर में साइन करा ही लूँगा, कुणाल का ड्राइवर आरू ने बिड़ी फूकते हुए कहा। आज सुबह सुबह घर से निकलने से पहले रब से प्रार्थना करते हुए निकला कि आज आपकी 6 साल का मनोकामना पूरा हो जाए, आज आपके पेपर साइन हो ही जाएंगे। ये सुनकर कुणाल ने बड़े कठिली आवाज़ से कहा, आज सिर्फ डिवोर्स ही नहीं चाहिए, अनिका की कंपनी भी तो चाहिए जो उसकी मरी हुई माँ उसके नाम करके गई थी। ड्राइवर ने अपना हाथ में अनिका का नाम का बोर्ड सीधे करते हुए कहा, अरे साहब वो कंपनी भी आपके नाम पे हो जाएगा, फिगर नॉट। तभी कुणाल के दिमाग में कुछ आता है और वो ड्राइवर से कहता है, अच्छा सुन, उसको देखते ही मेरा मूड ऑफ हो जाता है और आज इतना अच्छा दिन पर मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उल्टा होके खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है? तूने वाला उसे नहीं देखा हो, मगर तेरे हाथ में उसका नाम का बोर्ड देखकर तेरे पास वो आ ही जाएगी। कुणाल आलस लेते हुए उल्टा घूमने वाला ही था, तभी एयरपोर्ट के दरवाजे पर उसकी नज़र पड़ी और कुछ देखकर उसकी नज़र और कमर वही अटक गया। कुणाल ने एयरपोर्ट से बाहर आते हुए एक लड़की को देखा तो उसे देखते ही गया, मानो आज से पहले वो किसी खूबसूरत लड़की को देखा ही ना हो। और उस लड़की को देखते कुणाल की मुंह से निकल ही गया, यार इतनी खूबसूरत लड़की को पहले मैं कभी मनाली में देखा ही नहीं हो। ड्राइवर ने भी उसकी बातों में हाँ भर दी। कुणाल बिना टाइम वेस्ट कर रेलिंग खोद कर लड़की के और भाग पड़ा और अचानक से उस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया, फिर उसका रास्ता रोक लिया। एक खूबसूरत लड़की और कोई नहीं थी बल्कि अनिका थी। कुणाल इस बात से बिल्कुल अनजान था। इस तरह कुणाल को देखकर अनिका बिल्कुल हैरान थी। उसे एक ही पाल में सब कुछ याद आ गया था जो हमेशा वो बोलना चाहती थी। अनिका एक पल के लिए सोचने लगी कि कुणाल पहले की तरह अनिका को फिर से इंसल्ट ना कर दे और इसीलिए अनिका कुणाल को थप्पड़ झड़ना चाहती थी। बेटी रिया का सामने कोई तमाशा खड़ा करना नहीं चाहती थी। और कुणाल अचानक बोल पड़ा, हेलो मिस गॉर्जिस, आप मनाली में पहले बार आई लगती है, क्योंकि अगर आप पहले आए होती तो ये तो पॉसिबल नहीं होता। कुणाल की नज़र से अभी तक अननोटिस्ड रहते। अचानक अनिका को कुछ समझ में नहीं आया, पर अगली पल में अनिका को सब कुछ समझ आ गया कि कुणाल उसे अब तक पहचान नहीं पाया। तब अनिका ने अपना बेटी रिया की तरफ देखा और वो हमेशा की तरह वीडियो गेम में खोया हुआ था, क्योंकि वो हेडफोन पहना हुआ था और उसके आसपास में कोई बात उसे सुनाई नहीं दे रहा था। ये देखकर अनिका को राहत मिली। अनिका कुणाल की बात को अवॉइड कर साइड होके टैक्सी को आवाज़ देने लगी, टैक्सी टैक्सी। अनिका नहीं चाहती थी कि उसे कुणाल पहचाने, मगर कुणाल
हार मानने वाले से नहीं था। कुणाल ने भागकर उसके तरफ गया, फिर से उसका रास्ता रोक दिया। अरे अरे, टैक्सी का क्या जरूरत है? आपको जहाँ जाना है मैं अपनी गाड़ी में आपको छोड़ देता हूँ ना। और एक मिनट, और ये नन्ही गुड़िया कौन है? ये कहते हुए रिया का तरह इशारा किया और उसके गाल पे हाथ घुमाया।